यूं तो लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान में मीडिया को संविधान का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन क्या कोई जानता है कि देश के पूर्वोत्तर में मीडिया की स्थिति वैसी नहीं है जैसी कि देखने को मिलती है। हाल ही में पत्रकारिता दिवस पर आए आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो बीते 30 साल में पूर्वोत्तर के 31 पत्रकारों का बड़ी ही बेरहमी के साथ कत्ल हो चुका है, जिसमें से 24 असम, 6 मणिपुर और 1 त्रिपुरा का पत्रकार भी शामिल है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला में जनसंचार विभाग की ओर से करवाए गए राष्ट्रीय सेमिनार में पहुंचे असम के वरिष्ठ पत्रकार दिलीप कुमार ने ये खुलासा कर सबको चौंका दिया। दिलीप कुमार ने बताया कि पूर्व में नागालैंड सरकार ने NACN आतंकी संगठन को टैक्स पे किया था, जिस पर बकायदा अदालतों द्वारा संज्ञान लिया गया है और ये मामला आज भी विचाराधीन है। इसके साथ मणिपुर में कर्मचारियों के वेतन से 15% राशि काटकर उग्रवादी संगठनों को देने की बात भी कही है। दिलीप कुमार ने कहा कि पूर्वोत्तर में आज भी पत्रकार और पत्रकारिता सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक इन इलाकों में हिंदी पत्रकारिता को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, तब तक स्थिति यूं ही देखने को मिलेगी। उन्होंने मुश्किल हालातों में भी हिंदी पत्रकारिता को ही चुना है और आज भी उसके जरिए ही वहाँ के हालातों को देश दुनिया में पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। दिलीप ने कहा कि आज स्थिति बहुत बदल रही है, धीरे धीरे अराष्ट्रीयता और अलगाववादी ताकतों की कमर टूट रही है, क्योंकि इन क्षेत्रों में धीरे धीरे हिंदी फलने फूलने लगी है। अपने क्षेत्र में मुश्किल हालातों में भी हिंदी पत्रकारिता करने और युवाओं को इसके प्रति जागरूक करने के लिए वो आज स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर निजी तौर पर प्रयास कर रहे हैं। यही वजह है कि आज उन्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने कोर्ट मेंबर बनाया है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुए राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार में युवाओं को हिंदी पत्रकारिता के लिए प्रेरित और जागरूक करने के लिए भी यहाँ बुलाया है। जिला व पुलिस प्रशासन का नशे के खिलाफ अभियान सराहनीय है। आज शुरू किए गए नशे के हस्ताक्षर अभियान के भी सार्थक परिणाम सामने आएंगे, ये बात नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया ने धर्मशाला SP कार्यालय में नशे के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करते हुए कही। पठानिया ने कहा कि जब तक हम इस अवेयरनेस को यूथ तक नहीं लेकर जाएंगे, एक बार हम लोगों को अवेयर कर दे कि नशा एक बार भी आप ट्राई करोगे तो भी ये जहर है, मार्केट में ड्रग्स का ग्राहक ही नहीं होगा तो नशा बिकेगा कहाँ। नशे की जागरूकता को लेकर SP जिला कांगड़ा से अभियान को शुरू किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मिशन कामयाब होगा, मिशन धरातल तक जाएगा और युवाओं में इस बात को लेकर जागरूकता आएगी कि नशे से जितना दूर रहे उतना अच्छा है। युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए नूरपुर में 15 जिम इंस्टॉल कर दिए हैं। जनवरी से हम एक कैलेंडर जारी करने वाले हैं, जिसके तहत हर पंचायत में टूर्नामेंट शुरू करने वाले हैं। वॉलीबॉल का एक ट्रायल किया जा चुका है तथा इसे उच्च स्तर लेकर जाएंगे, जिसका समापन जन्माष्टमी के साथ किया जाएगा। नूरपुर में एक नई पहल के तहत बच्चों को एकत्रित करके गंगा जल उठवाकर कसम दिलाई जाती है कि जिम तभी मिलेगा जब आप नशे से दूर रहेंगे। नशे को भी कभी भी ट्राई ना करने की कसम खिलाई जाती है। अभियान के तहत बच्चों को नशे से दूर रहने के लिए सौगंध भी खिलाई जाए कि वे नशे से दूर रहेंगे। नशे को बेचने के लिए ड्रग पेडलर द्वारा जो चेन बनाई जाती है, उसको SP जिला कांगड़ा ने अभियान के तहत पहल करते ये सुनिश्चित किया है कि हम ग्राहक को ही मार्केट में ना रहने दें। मार्केट में कस्टमर नहीं होगा तो चेन कैसे बिकेगी।
पठानिया ने कहा कि नशे के खिलाफ जारी अभियान में नूरपुर क्षेत्र में 10 ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जो नशे का कारोबार करते थे। अब परिस्थितियां पहले जैसी नहीं है, अब मछली छोटी हो या बड़ी सभी पर कार्रवाई हो रही है। अच्छी बात तो ये है कि जो नशे के साथ पकड़ा जा रहा है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जबकि पहले ऐसे लोग जुगाड़ करके रातों रात जमानत ले लेते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं जिला स्तरीय कारोबार सुधार कार्य योजना के नोडल अधिकारी श्रवण मांटा ने कारोबारी सुगमता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन मुहैया करवाने पर जोर दिया है। उन्होंने जिला स्तरीय कारोबार सुधार कार्य योजना पर चर्चा के लिए बुलाई बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हमारे यहां अब केवल 10% के करीब ही ऐसी सेवाएं हैं जिन्हें ऑनलाइन मुहैया करवाना बाकी है। कारोबारी आवेदन व स्वीकृतियों से जुड़ी विभिन्न सेवाओं को पहले ही ऑनलाइन किया जा चुका है, शेष को भी जल्द ही ऑनलाइन करने की दिशा में प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। श्रवण मांटा ने कहा कि कारोबारी सुगमता के लिहाज से हिमाचल देश के सबसे तेजी से सुधार करने वाले राज्यों में अव्वल रहा है। प्रदेश की कारोबारी सुगमता रैगिंग में बड़ा सुधार हुआ है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कारोबारी सुगमता के लिए शानदार कार्य के चलते हिमाचल ने 2014-15 के 23.95% के मुकाबले अब के मूल्यांकन में 94.13% का कायावेन स्कोर हासिल किया है। इसमें और सुधार के लिए सभी विभागों को मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने बैठक में विभिन्न विभागों की सेवाओं की जानकारी ली और सेवाओं को ऑफलाइन तथा ऑनलाइन मुहैया करवाने की मौजूदा व्यवस्था के बारे में बताया, साथ ही शेष सेवाओं को ऑनलाइन करने को लेकर भी जरूरी निर्देश दिए। बैठक में जिला उद्योग विभाग के महाप्रबंधक ओपी जरियाल, जिला कृषि अधिकारी नवीन खोसला व टीसीबी शिक्षा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।